झाड़फूंक के बहाने एक नाबालिग की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला एमसीबी जिले का है, जहां पौड़ी थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झाड़फूंक के बहाने एक नाबालिग का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला एमसीबी जिले का है, पौड़ी थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। पटना में रहने वाले आरोपी राम नारायण रजक का पीड़िता का घर आना जाना था। इसी बात का फायदा उठाकर उसने एक दिन उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता डर के मारे करीब 10 दिनों तक चुप रही, लेकिन उसके बाद परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई और उसे पकड़ लिया गया। पीड़िता जो है अपने परिजनों के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर थाना पौड़ी में धारा 376, 506, 4501 और दोनों प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी इनको काफ़ी तलाश पतासाजी किया गया तथा आरोपी राम नारायण रजक अभी वर्तमान में पटना में निवास करता है, उसको पकड़ा गया है और प्रकरण में गिरफ्तार करके और न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा धारा 376 के साथ ही पास्को एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अलग से टोनही प्रताड़ना अधिनियम का अपराध भी कायम किया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए एमसीबी से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।